Hello everyone, how are you all? Hello sir, we are fine sir, and what about you? I am also fine. In this math session, there is a few number of students due to the power issue. Actually, light काफी खराब मतलब दो दिन से light नहीं आ रही है. ऐसे में बहुत सारे बच्चों के फोन होगा, हो सकता है discharge हो. That is why they are not able to join. Even हो सकता है वो videos भी ना देख पाए हों. So what I'm doing? जो भी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट सेशन में, we will be continuing all those things. हम उसी का रिवीजन करेंगे एंड उसके बाकी एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम बेस्ड उसी पे है. Also we will be trying to complete those many things in the fourth chapter. Simple equation पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था ना? Yes sir. Okay, how many from you all, how many have completed the 4.1 exercise? How many have completed the exercise 4.1? Okay, that means everybody. समझ में भी आया है, बस complete कर लिया. सर आया था समझ. सर समझ में आया है. समझ में आया, चलिए ठीक. बेटा 4.1 exercise ऐसा है, अगर आप लोग properly समझ ले गए, तो आने वाले समय 4.2 भी बिल्कुल same उसी पे based है. 4.3, 4.4 ही नहीं. There would be many questions. जो भी आपका कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम आपके इसी क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगे. आप आने वाले समय में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या लेट्स से परसेंटेज की क्वेश्चन ही आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है, वो वर्ड प्रॉब्लम को समझ करके क्या इक्वेशन बनता है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, आखिर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, तो वो सारी चीजें आप इक्वेशन के थ्रू ही जान पाते हैं, इक्वेशन के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो ऐसे में इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है, इक्वेशन जो टॉपिक आपका है, ये चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है. इसलिए थोड़ा सा मैं भी कंफर्म करना चाहूंगा कि वेदर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. बेटा कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आया फिलहाल 4.1? सबसे पहले आप लोग की तरफ से, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन. आप लोग की तरफ से इज देयर एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, दिक्कत हुई हो. मुस्कान इज देयर? यस मुस्कान, व्हिच क्वेश्चन सर? सिक्स्थ का फोर्थ क्वेश्चन. नंबर सिक्स का फोर्थ इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस. ओके ठीक है. इज देयर एनी अदर? Yes sir, same question. Same question. Yes sir. Okay, same question, थोड़ा सा tricky है. सबसे पहले हम question number 6 का fourth समझा देते हैं, उसके बाद हम अपनी तरफ से आप सभी से पूछते हैं कुछ चीजें. एक बार क्वेश्चन पढ़िए बेटा. मुस्कान रीड द फोर्थ क्वेश्चन. In a isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. But one thing I would like to share you all first. अगर कहीं पे आपको नया word दिखे, what you all can do? For pronunciation, you all can check through Google. Let's say I'm sharing you all one of the page. अभी मुस्कान ने बोला, क्या बोला है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस. एक बार इसको लिखते हैं. Yes, sir. अब इसको ध्यान से सुनते हैं. यहाँ पे आपके पास स्पीकर होगा. There should be speaker. Where is the speaker? Yes. We have to click on here. Isosceles. 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 आप लोगों को सुनाई पड़ा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैं नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लूटूथ. क्या क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा
आइसोसेलीज दो मोड पे हम करेंगे आइसोसेलीज यहाँ पे आइसोसेलीज इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा जब कभी भी आपको नया वर्ड मिले प्रोनाउंसिएशन ऑफ आइसो अभी एक चीज है आप लोगों ने और भी किया था व्हीकल रिसीप्ट इसको क्या हम लोग भी फिलहाल दिस इज द रिसीविंग जब कोई फी डिपॉजिट होती है या कुछ भी करे किसी को कुछ देते हैं तो आप लोग रिसीविंग लेते हैं दैट इज अ रिसीप्ट एक्चुअली इसको पी भी हम लोग लगाते हैं रिसीप्ट नॉट ओनली यू बट इवन ऑल्सो आई यूज टू प्रोनाउंस एज रिसीप्ट पाटा लास्ट में लगाते थे आधा पा कहते थे बट एक्चुअली इट्स नॉट अ रिसीप्ट इट्स अ रिसीप्ट यू कैन टेक फ्रॉम रिसीप्ट क्या बोला जा रहा है रिसीप्ट यही बोला जा रहा है ना Yes, sir. Not able to hear the sounds because I have chosen the another mode of the speaker and mic. So, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा आप लोग को बताना है कि what is going on. Receipt. क्या बोला जा रहा है क्या सुनाई पड़ रहा है Receipt. कि आधा पा तो कहीं पे नहीं आया ना No, sir. Receipt. बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे Not only this, even vehicle अगर आप देखेंगे चलो आपके मैथ्स की क्लास में इंग्लिश शुरू हो गई फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ आपको व्हीकल चलिए ठीक है लेट मी व्हीकल एंड स्टार्ट द मैथ इंग्लिश के टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो अब फिर से एक बार दोबारा पढ़िए मुस्कान रीड द फोर्थ क्वेश्चन अगेन इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल क्या 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 द वर्टेक्स Isosceles बोला गया था मैं प्रेजेंटेशन क्यों दिखाया क्यों किस बात पे क्या था अभिषेक बताइए पढ़िए अभिषेक द आइसोसेलीज क्या बोला गया है द आइसोसेलीज ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन को समझने के पहले जरूरी है कि फोर्थ क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले जरूरी है यू ऑल शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज टाइप ऑफ मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर मतलब ट्रायंगल्स आर देयर ट्रायंगल्स आप कई बार ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रायंगल कई बार आप ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं कई बार आपको ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रायंगल तब भी हर कोई कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का ट्रायंगल है वेयर यू आर हैविंग वन ऑफ द एंगल अब एंगल ट्रायंगल को भी दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड इफ यू टॉक अबाउट द एज पर द एंगल्स बेस्ड ऑन द एंगल्स वी कैन डिवाइड एनी ऑफ द ट्रायंगल इनटू थ्री टाइप्स वन इज द right angle triangle mein you would be having one of the angles should be there 90 degree another kind of the triangle is the obtuse triangle or acute triangle kise kahenge less than 90 degree angle less than 90 or more than 90 less than 90 degree. आप इसी को अगर यहाँ पे कर देते हैं फिर करते हैं तो क्या ये 90 रह गया या 90 से ज्यादा रह गया 90 से ज्यादा होगा 90 से ज्यादा हो गया बाकी तो बचे आपको पढ़ाया गया होगा ज्योमेट्री में द तीनों एंगल मिलाकर के किसी भी क्लोज फिगर या ट्रायंगल के अंदर अगर 1, 2, 3 थ्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं तीनों एंगल का जब सम होता है सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स आर 180 डिग्री तो जब ये मोर देन 90 हो गया तो दैट मींस कि ये मिला के अगर मान लीजिए ये 100 है तो ये दोनों मिला करके
कितना होगा? 80। ये एंगल तीनों एंगल मिलाकर के तीनों का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। यस सर। अगर ये मान लीजिए 90 से ज्यादा, मान लीजिए 100 है, तो ऑब्वियसली ये बाकी जो बचा ये तीनों मिला के 180 है और ये अकेले 100 है, तो ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा? 80 होगा। फिलहाल आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ाना है, लेकिन अब क्वेश्चन ये ऐसा है कि ये तो रहा बेस एंगल के, एंगल के आधार पे आप ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये बात रही। अब बात आती है साइड के आधार पे, बेस्ड ऑन द साइड देयर इज वन ऑफ द एंगल लाइक दिस। थोड़ा सा क्लियर बने तो ज्यादा बेटर रहेगा। One of the angle like this. This is also one of the angle. Two angle. एक और ऐसे हो सकता है आपका, मान लीजिए this is also one of the triangles. Three types of triangle I have drawn. You all need to find out some of the things. Beta, the first figure of the triangle is, in the first figure we are having the all the sides are equal. All the sides are equal. Equal. Whenever equal. Equal, all the sides are equal, that will be known as a equilateral triangle. Equilateral triangle. जो आपके क्वेश्चन में दिया है दैट इज ट्रायंगल वेयर, दैट इज ट्रायंगल वेयर बोथ द साइड्स आर इक्वल बट वन ऑफ द साइड आर नॉट इक्वल। सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल है, एक आपका डिफरेंट है। ओके, दिस इज थर्ड काइंड ऑफ ट्रायंगल। अगर आप yes, देखेंगे ये साइड आपका ज्यादा बड़ा है इसकी अपेक्षा, तो दैट मीन्स कि ये और ये तो अलग अलग साइड के हैं, सेम दिख रहे हैं। Yes, sir. Yes. Sir. And this is also one of the another thing. So that means that this kind of a triangle is known as a scallion. So that means that तीन के तीनों sides, three sides से मिलकर के जो triangle बनते हैं, तीन के तीनों sides आपके different होते हैं. That kind of a triangle is known as a scallion. जो आपकी questions में दिया है, that is a isosceles. Isosceles. क्या बोल रहे हैं बेटा? Isosceles में क्या होता है, दो साइड से केवल आपके इक्वल होते हैं, वन साइड इज नॉट इक्वल। इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं केवल बराबर होती हैं और ये फिलहाल कोई भी भुजा नहीं बराबर होती है। अब इसमें एक चीजें और बताया गया है, वर्टिक्स पॉइंट एंड द बेस पॉइंट। वर्टिक्स पॉइंट, वर्टिक्स एंगल एंड द बेस एंगल। ये वर्टिक्स एंगल एंड बेस एंगल कहां पे होता है आपका आइसोसेलीज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में? क्या होता है, जो दो साइड्स आपके इक्वल होती हैं, ये दो साइड्स इक्वल है ना, ये एंड ये, इन दोनों से जो मिलकर के जो इक्वल साइड से मिलकर के जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज अ वर्टिक्स एंगल। और जो आपका डिफरेंट साइड से मिलकर के बनता होता है दैट इज द बेस एंगल। तो जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ए बी एंड सी पे, पॉइंट ए पे किससे बन रहा है एंगल? इस वाले साइड से एंड इस वाले साइड से, एंड बोथ आर इक्वल, तो यह किस तरह का एंगल हुआ? अगर आपका ए बी, ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो बताया गया ना, बिकॉज दिस इज इसलिस काइंड ऑफ ट्रायंगल ना, मैं भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो आपके जो ये आपके सेम, मतलब सेम साइज के जो दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, ये दोनों सेम साइज के हैं,
इन दोनों से जो एंगल फॉर्म होता है, इन दोनों इसको और इसको मिलाकर के कौन सी एंगल फॉर्म हो रही है? यहाँ पे फॉर्म हो रही है ए पे या सी पे? ए पे ही तो, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे तो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं या मीट मिल रहे हो, तो ये दोनों यहाँ पे तो मिल नहीं रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों से एंगल जो फॉर्म हुआ है दैट इज अ वर्टेक्स एंगल। लेकिन जो आपके डिफरेंट साइज के हैं, इस तरह के ट्रायंगल में जो डिफरेंट साइज के साइड हैं, ये आपका इसका साइज दूसरा है, बीसी का साइज दूसरा है, तो इन दोनों से जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज अ बेस एंगल। ओके, ये बेस एंगल, ये भी तो बेस एंगल हुआ, बिकॉज इट्स ऑल्सो डिफरेंट साइज ऑफ द साइड, इसका भी साइज अलग है, सो दैट इज ऑल्सो द बेस एंगल। यस सर। तो ट्रायंगल में मैंने तीन चार चीजें बताई है, हर सारी बातें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हिच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज देयर, किस तरह का ट्रायंगल है, वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल कौन कौन सा है, किस तरह के होते हैं। अब आपके क्वेश्चन के बेस क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको उसके आधार पर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस either base angle, the vertex angle is twice either base angle, either मतलब दोनों में से कोई भी base angle, there is a two base angle ना? Yes sir. यानी आप इस base angle की बात करें या इस base angle की बात करें, जो आपको vertex angle है इससे twice, अगर ये आपका ये angle मान लीजिए अगर m degree है तो ये कितना होगा, m का twice कितना होगा, तो ये 2m होगा ना? Yes, sir. M के बजाय अगर इसको p मान लिया तो ये p है तो ये आपका ये 2p हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 है, अगर मान लीजिए 10 है तो ये 20 होगा। फिलहाल क्या है वो बाकी बातें हैं। एज पर ए क्वेश्चन The vertex angle is twice either base angle. दोनों में से कोई भी base angle की बात करें तो that is a, उसका जो डबल है वो vertex angle जो है वो डबल है। Let the base angle be in degrees. अब यहाँ पे आपको कंडीशन भी एक ऑप्शन और बता दिया कि आपको जो base angle है इसको b मान लीजिए, base को b degree मान लीजिए। अगर ये b degree है तो ये कितना होगा, ये 2B. कितना होगा 2B. ये B है तो obviously it is also B. दोनों सेम होगा, अगर ये सेम आपका सेम साइड है तो obviously the angle would be formed, both the base angle would be the same. यह भी एक तरीके से properties है। तो that means कि B degree plus 2B degree plus B degree equal to how much? 180 degree. 180 degree. रिमेम्बर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो ऑलरेडी बताया जा चुका था। दैट मींस कि एज पर योर क्वेश्चन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, दोनों में से बेस एंगल में से जो वर्टेक्स एंगल है वो डबल है। लेट द एंगल जो बी जो बेस एंगल है उसको बी मान लिया जाए, और ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो इसके लिए आपको क्या करना था, यू हैव टू सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, जो आपको केस बताया गया फोर्थ में उसमें आपको एक इक्वेशन सेटअप करना था। तो व्हाट वाज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो आपका यही है ना? यस सर। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द योर फाइनल आंसर, आप उसको पूरा सॉल्व करें या ना करें, इक्वेशन आपने ये सेटअप कर दिया, इसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यस सर। अभी और कोई क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो सर।
चलिए ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया गया है, उसको भी उसको डिस्कस करते हुए हम लोग सॉल्व भी करना सीखेंगे। नेक्स्ट थिंग, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझा दें या पहले एक बार चेक कर लें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर 2p है प्लस नॉट 2p डायरेक्टली आपने p प्लस 2 इक्वल टू 4, p प्लस 2 इक्वल टू 4। बेटा अभी आप लोग को इसको 2 इधर आप ले आते हैं, कभी आप नीचे ले आते हैं, आप अगर 2p रहता है डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू ऑल आर डूइंग गुड, कोई दिक्कत नहीं उससे। दैट इज द No, that is how you have to calculate, how you have to solve in future. Yeah, अभी आप लोग solve कर रहे हैं। But in your exercise, in the next exercise, exercise 4.2, it is based on that कि how you have to solve an equation by moving any of the numbers without moving any of the terms. इसको बोला गया था terms ना, without moving any of the terms. On the opposite side, जैसे p plus 2 equal to 4 है, इसमें से कोई भी टर्म ना तो p आप उधर ले जाए ना 2 लेके जाए ना 4 इधर लेके आए, विदाउट मूव किए आपको p जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। तो व्हाट एंड हाउ यू हैव टू डू, द फर्स्ट इक्वेशन इज p plus 2 equal to 4, कहने का मतलब है जब p plus 2 है वो 4 के बराबर है, तो अगर p plus 2 में अगर मैं 1 ऐड करूं और इसमें भी 1 ऐड कर दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? नो सर। अगर p प्लस 2 में अगर मैं 5 माइनस कर दूं और इस साइड में मैं 5 माइनस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये तो वही बात हुई ना कि दो लोग हैं, yes, दो लोग हैं, ये मान लीजिए एक पर्सन है एक पर्सन, ये दोनों बराबर वेट में थे, इसको मैं 5 किलो कोई सामान पकड़ा दूं, इसको भी 5 किलो पकड़ा दूं तो बराबर ही तो रहेंगे ना? यस सर। यस सर। कम कर दूं अगर इसका इसका वेट कहीं ना कहीं 5 किलोग्राम और इसके भी वेट में से 5 किलोग्राम कम कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। इन द सेम वे अगर इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका जो वेट है मान लीजिए इसका वेट 10 किलोग्राम है, इसका भी किलोग्राम 10 किलोग्राम है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका 50 हो जाएगा, लेकिन इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों के बराबर रहेगा। जो भी आप मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन मतलब LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है, तो अगर LHS कोई आप चेंजेस अपनी मर्जी से करते हैं, इसमें तो बोला तो गया नहीं है कि 2 से प्लस करो या 2 से माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, अपनी मर्जी से कोई भी इसमें चेंजेस लाते हैं तो सेम चेंजेस अगर आप इसमें भी लाते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको विदाउट मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जैसे एक्सरसाइज है, एक इक्वेशन मैंने दिया इसमें से p की वैल्यू निकालना है, तो p प्लस 2 अगर है तो प्लस 2 अगर खत्म कर दिया जाए केवल p अकेला ही तो बचेगा। यस सर। प्लस 2 है तो 2 अगर यहाँ पे p प्लस 2 है, मान लो प्लस 2 है तो प्लस 2 को हटाने के लिए क्या करें? वो खत्म करते माइनस कर दें, जितना ज्यादा है उतना कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम? लेकिन जो इसमें कम करना, जो LHS के बाहर इधर कम करना, LHS मतलब इस इक्वल टाइम के दूसरा भी इक्वल के जो इधर आप जो चीजें करेंगे इक्वल टाइम के उधर भी आपको करना रहेगा। यस सर। तो p प्लस 2 आपका ये दिया हुआ है, इसी में अगर आपने माइनस 2 कर दिया तो 4 माइनस इधर भी माइनस 2 कर दीजिए, आप p प्लस 2 में से माइनस 2 आपने क्या किया है, आप इसको सीधा माइनस इसको ब्रैकेट भी ले लीजिएगा, नहीं कई बार जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। p प्लस 2 आपका ये LHS था, ये 4 आपका था, इसको भी चाहे आप ब्रैकेट ले लें चाहे ना लें, अकेले है कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर इसमें माइनस 2 कर रहे हैं तो इसमें भी माइनस 2 करिए, दोनों तो बात एक ही है। यस सर। आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो कोई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं डायरेक्टली। यस सर। पी प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, क्या आंसर आएगा? पी इक्वल टू
टू माइनस टू ये तो कट जाएगा ना, फोर माइनस टू इक्वल टू टू, ऐसे आंसर आ जाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, सर। टू पी इक्वल टू टेन, अब यहाँ पे टू पी इक्वल टू टेन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये p का क्या है, p की जो भी वैल्यू होगी 2 से क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, क्यों आकृति? मान लो p की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 दिया या 2 दिया, जो भी दिया, p की वैल्यू जो भी आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? अच्छा p की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, माइक ऑन करके जल्दी से सर। 8, चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू व्हाट आप अभी तक जैसे सॉल्व करती आई हैं, पी पी का आंसर क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या आएगी? नीचे नहीं देखना, ऐसा ऐसा कुछ जोड़ घटाना नहीं करना बेटा कि आपको इतना समय लगे कॉपी में जोड़ घटाना करना पड़े, आपको आता है कि नहीं ये बताइए। सर 5 बेटा, प्राची ये इतना इजी है, मैं अगर आपसे पूछता आपसे आपसे मैं दूसरी तरह कुछ पूछता, मैं बारी बारी से नाम लेकर के बता पाती। प्रशांत आपकी मम्मी बोल रही, बेटा तुरंत माइक बंद कर दीजिए, ऐसे अपने आप ही माइक बंद करके फिर ऑन कर लिया करना जब वो शांत होंगी। आकृति आपको पता है 2p आप इसको कैसे सॉल्व करती थी, अब इसको प्लस माइनस होया नहीं, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, p इक्वल टू 10 माइनस 2 आप ऐसे ही तो करती थी, क्या होगा 2 5 p इक्वल टू 5 आप ऐसे सॉल्व करती है, लेकिन अगर आप अभी नहीं ध्यान दें तो आप ही जैसे बच्चों के लिए दिक्कत है। एक्सरसाइज 4.12 में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों बड़े कई सारे बच्चे करना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मैं समय दे रहा हूँ इसपे, तो आप ही जैसे बच्चों के लिए है, और आप ही लोग अगर नहीं समझेंगे, आप लोग शांत रहेंगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, तो मतलब निकले नेक्स्ट सेशन का। कहने का मतलब ये है पी माइनस टू इक्वल टू 5 अगर है यहाँ पे, तो इसमें क्या करें कि अकेला पी बचे, पी माइनस टू है तो p की वैल्यू इस वेरिएबल को अकेले या वेरिएबल को आपको अलग करने के लिए क्या करें, सिर्फ अकेले करने के लिए p माइनस टू मतलब p की जो भी वैल्यू है उसमें माइनस टू कर देने पे 5 आता है, तो क्या करें कि p अकेला बचे? अखिलेंद्र आप एक बार बताइए, अखिलेंद्र उत्तर साफ बताइए। यस सर। यस सर नहीं, बताइए मैं पूछ रहा हूँ। पी माइनस टू है तो कौन सा स्टेप करें, कौन सा अगले स्टेप में क्या करें कि अकेला पी बचे, मतलब क्या करें कि ये माइनस टू, जैसे पी माइनस टू है माइनस टू खत्म हो जाए, माइनस टू कैंसिल हो जाए, ऐसा क्या करें? सर 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 अगर आप ये तो आपने बताया इस माइनस टू को आप उधर ले जाएंगे तो पहली बात तो प्लस हो जाएगा, आप कोई भी टर्म अगर आप इक्वल के आगे पीछे आप मूव कराते हैं, अदला बदली करते हैं, तो अगर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 नहीं 5 प्लस 2 होगा। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में, आज के जो क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू कोई भी टर्म इक्वल के आगे पीछे नहीं ले जाना है, आपको ये इक्वल जो है ऐसे ही, मतलब सारे टर्म जो इधर है पी माइनस टू इधर का इधर रहे, 5 तो 5 उधर है, आप इसको अपनी मर्जी से कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें कि ये माइनस टू खत्म हो जाए, क्या करेंगे? अलका बताइए। सर एड टू ऑन बोथ साइड, पी माइनस टू आपका ये था, आपको माइनस टू कम करने के लिए जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जितना माइनस है उतना और ऐड कर दीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो माइनस टू है तो प्लस टू, आपको टू ऐड कर दीजिए इसमें,
लेकिन एक ही तरफ नहीं, जब आप अपने मर्जी से करें देन यू हैव टू एड इन बोथ साइड, माइनस टू थ्री माइनस टू में प्लस टू एड कर दिया, फाइव में भी प्लस टू एड कर दिया, क्या होगा ये माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, बचा पी केवल, पी इक्वल टू क्या आएगा सेवन। तो बिना आपको कोई भी टर्म इधर उधर लिए ये आपको आंसर आ गया, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ यस सर। अच्छा आप इसको बताइए, फाइव पी इक्वल टू अगर टेन है तो ये 5p अगर यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 5 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं प्रति? डिवाइड, मल्टीप्लाई। बेटा अगर मल्टी को प्राची ने बोला मल्टीप्लाई, 5p को अगर किससे मल्टीप्लाई करोगी? 5 से, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा, ये 25p हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, अकेला पी बचेगा। तो व्हाट वी हैव टू, वी कैन डिवाइड, 5p इक्वल टू 10 है, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेगा। यस सर, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2.1 आ जाएगा, आप सिंपलीफाई करेंगे जब, आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। Yeah. 3.2 भी आप देख लीजिए, आज का होमवर्क यही हो जाएगा। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है x-1=0 है, इसमें से पूछा गया गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। जो वेरिएबल है मान लीजिए x-1 है, x-1=0, इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, दो तरीका, आप या तो माइनस वन उधर लेके चले जाते हैं, ये सेपरेट हो जाता है कि नहीं? यस सर, आप ले जाते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, ये सेपरेट हो गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं है, यस सर, डोंट योर एक्सरसाइज, व्हाट यू हैव टू डू, आपको विदाउट एनी मतलब विदाउट कोई टर्म, बिना इधर उधर किए बगैर आपको सेपरेट करना है। तो एक्स माइनस वन में क्या करें, ये x सेपरेट हो जाए तो माइनस वन जो है उसी को, माइनस वन कैसे खत्म होगा, वो प्लस वन कर दे रहे हैं, प्लस वन इधर भी करिए तो क्या होगा, x माइनस वन प्लस वन आप जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू वन, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सेपरेट। इसमें क्या लिखना है, फॉर सेपरेट वेरिएबल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड प्लस वन इन बोथ साइड, ओके? यस सर, x माइनस टू इक्वल टू फाइव, इसमें क्या करना है, वट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड माइनस टू इन बोथ साइड, माइनस टू है वी हैव टू एड टू इन बोथ साइड, माइनस टू है तो अगर टू एड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये अकेले बचेगा, इधर भी टू एड कर दीजिएगा। इसमें क्या करना रहेगा, मुस्कान अभिषेक कोई भी बताइए बेटा, ओनली 4 मिनट सारे में, नहीं मुझे दो तीन देना, प्लस सर प्लस फाइव, मुझे आप बताइए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बताइए व्हाट वी हैव टू डू सर, एड फाइव इन द बोथ साइड्स, वी हैव टू एड फाइव, फाइव को खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए फाइव एड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एड फाइव इन बोथ साइड, पहले आप लिखेंगे वी हैव टू एड इन, वी हैव टू एड फाइव इन बोथ साइड, फिर आप एड करिएगा, फिर आप एड भी कर दीजिएगा, आंसर दिख जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 15 आ जाएगा, ओके? यस सर, लेकिन अगर आपका यहीं पे ऐसे है तो x प्लस 5 है प्लस 15, देन ये प्लस फाइव हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस फाइव, इतना ज्यादा है,
एक्स प्लस फाइव आपका एक साइड ये है, इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस फाइव, आपको फाइव माइनस करना पड़ेगा, इसमें से भी फाइव माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा एक्स इक्वल टू टेन। टू एक्स इक्वल टू फाइव, क्या करना पड़ेगा इसमें, वी हैव टू, अब ये इसको हटाने के लिए वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड बाई टू, वी हैव टू डिवाइड बाई टू बोथ द साइड, ये भी साइड टू से डिवाइड करेंगे, ये भी टू, तो वी हैव टू डिवाइड by 2 both the side, we have to divide both the side by 2, we have to divide 2, ye kar jayega x equal to 5.2 is the answer, okay? Yes sir. Yes sir. The answer again. Yes sir. 5.2 equal to 10, aap bataiye. Agar aisa aa jaye to kya karna rahega, ye to divide hai to ye hatane ke liye kya karenge, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय टू, तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू ट्वेंटी। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है एक्स बाय टू प्लस इक्वल टू ट्वेंटी, देन व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यहाँ पे प्लस फाइव है वो भी माइनस करना है, ये टू से डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो सबसे पहले आप इसको हटा लीजिए, फिर इसको हटा लीजिए, या तो पहले इसको हटा लो या इसको हटा लो, ये आपके ऊपर है, तो व्हाट डू यू हैव टू, सबसे पहले मान लीजिए इससे इसको इसमें से ये हटाते हैं, वी हैव टू इसको हटा दें या इसको, अगर इसको पहले हटाएंगे तो पूरे साइज को आपको डिवाइड करना है, ये नहीं कि सिर्फ इसी को, ना इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा था कि गलती ना हो, मान लीजिए सबसे पहले आप प्लस फाइव को आप माइनस कर दीजिए, वी हैव टू ये प्लस फाइव हटा लीजिए, वी हैव टू माइनस, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फाइव इन बोथ साइड, इस साइड में इस साइड मतलब जितना भी है इसको माइनस फाइव, मतलब फाइव सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस फाइव आपका कम हो जाएगा, इधर भी कम हो जाएगा एक्स फाइव। ये ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे तो दिख जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, ब्रैकेट ना लगाने, मान लो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाए तब तो चल गया, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, एक्स बाई टू इक्वल टू फिफ्टी, ये तो आ गया, लेकिन कहीं गलती से सबसे पहले अगर इसको आपने कर दिया, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू एक्स बाई टू प्लस फिफ्टीन, तो ये करिए एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी, आप इसको भी करेंगे तो एक्स प्लस फाइव को कैसे आपने रिमूव किया था, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फाइव इन बोथ साइड, यहाँ पे सबसे पहले आप या तो मल्टीप्लाई कर